हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे अवकलन और अवकलन के हमने 3 क्लासें लगा ली है। आज अपन 4 नंबर क्लास लेके आए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्लास को देख सकते हैं। वैसे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट से देख रहे हैं तो कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहेगी, ठीक। अगर आप टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में तो टारगेट ऐप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके। उसका लिंक भी, इस एप्लीकेशन का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मात्र आप हमारे साथ में 51 रुपये के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सुविधाएँ मिलेगी, मैथ्स के नोट्स मिलने वाले हैं, जितने भी क्लासेस चल रही हैं उनकी PDF मिलेगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप रिवीजन भी आप इससे 4 गुना कम समय में कर सकते हैं। रिवीजन आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पे पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी आपके कोर्स की रहेगी 12 महीने की, 1 साल की पूरी वैलिडिटी है, चलेगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न, वैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, आज तक के अपन 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 13 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं इस क्लास में। तो देखिएगा, y इज इक्वल टू log और log x की स्क्वेयर है। इसका मतलब एक बार इसको log, इसको x पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो ब्रैकेट में है इसको आपको x पढ़ना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में मैंने कर दिया log x। अब इस log को भूल जाइए, ये पूरा x बन गया। क्या बन गया? पूरा x बन गया। तो यहां से लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx x के सापेक्ष करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपके पास में log e बेस पे, log e बेस पे x की स्क्वायर, ये है dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx log x, log x, एक मिनट इस d अपॉन में dx को हटाता हूँ। log x का अवकलन क्या होता है? log x का होता है 1/x, 1/x, x की जगह क्या है log e बेस पे x की स्क्वायर है। ये एक्चुअल में x नहीं है, इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा log e बेस पे x की स्क्वायर। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा log x, log x, और log x का अवकलन आप जानते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में log e बेस पे x की स्क्वायर, d अपॉन में dx इसको हटा देता हूँ। log x का होता है 1/x, 1/x, लेकिन ये x नहीं है, x की स्क्वायर है, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में x नहीं है। d अपॉन में dx x की स्क्वायर का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/1, 1 बन जाएगा अपॉन में x की स्क्वायर, और ये है log e बेस पे x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x की नीचे 2 घात है, ऊपर 1 घात है, 1 कट जाएगा, 1 घात कट जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, x नीचे है ही, ठीक है, log e बेस पे x की स्क्वायर, e बेस पे x की स्क्वायर। फाइनली ये आंसर प्राप्त हो जाएगा, dy अपॉन में dx का रिजल्ट ये प्राप्त होगा, 2 अपॉन में x log e बेस पे x की स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? समझ गए आप? अच्छे से समझ में आ गया इसका, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। sec
एक्स माइनस में सेक एक्स प्लस में वन, या तो आप इसका डायरेक्टली यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से करो, या थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कॉस में इसको चेंज कर लो, क्योंकि आप जानते हैं सेक एक्स बराबर एक बड़ा कॉस होता है, सेक एक्स बराबर एक बड़ा कॉस होता है आप अच्छे से जानते हैं, तो एक बार थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका अवकलन करेंगे, तो y इज इक्वल टू आप जानते हैं एक बटा कोस होता है sec x बराबर एक बटा कोस x माइनस में एक अपॉन में एक बटा कोस x प्लस में वन। अब s और हर का एलसीएम लेते हैं अलग अलग, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में cos x, तो ये बनेगा वन माइनस में cos x, और ये आ जाएगा आपके पास में cos x, और ये बन जाएगा वन प्लस में cos x, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट देगा, रिजल्ट क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू वन माइनस में कॉस एक्स, और ये है वन प्लस में कॉस एक्स। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप फॉर्मूले जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। ऐसे क्या फॉर्मूले हैं सर जी? बढ़िया फॉर्मूले हैं, शानदार फॉर्मूले हैं। लिख दूँ क्या नीचे साइड की? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2x की। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x होता है। अगर हमारे पास में और एक होता है cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। ये तो 2x के फॉर्मूले हैं, हमारे पास में तो यहाँ पे ओनली फॉर x है, ओनली फॉर x है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या, cos x बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर x बटा 2, और ये बन जाएगा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा cos cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x बटा 2 माइनस में 1। बस ये बात सभी के समझ में आई क्या? ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज करेंगे। ये कैसे यूज करेंगे सर जी? मैं बता देना चाहूँगा कि जो नीचे वाली दोनों कंडीशन मैंने लिखी है, इस कंडीशन की सहायता से मैं बनाना चाहूँगा, ठीक है। ये आपको वहाँ पे करके आने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटा 2 को मैं इस साइड में लेके जाऊँ, तो ये यहाँ पे माइनस का है, आपको पता है इस साइड में जाके माइनस प्लस का हो जाता है, तो ये रिजल्ट बनेगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटा 2 बराबर ये बन जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स। और दूसरा रिजल्ट देखो, दूसरा रिजल्ट है ये माइनस का, एक इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बटा 2 बराबर ये बन जाएगा आपके पास में कॉस एक्स, या वन लिख दूँ क्या इसको, तो वन ही लिख दूं, वन प्लस कॉस एक्स। बस ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि वन माइनस में कॉस एक्स और वन प्लस में कॉस एक्स का मान होता है हमारे पास में, तो वन माइनस में कॉस एक्स का मान वो रख देंगे और वन प्लस कॉस एक्स का मान वो नीचे वाला रख देंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू साइन स्क्वेयर एक्स बटा दो, माइनस वाला ऊपर है प्लस वाला नीचे है, तो टू कॉस स्क्वेयर एक्स बटा दो। अब हमारे पास भी दो से दो कट जाएगा, आपको पता है कि साइन बटा कॉस टेन होता है, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा देंगे, तो वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, टेन स्क्वेयर एक्स बटा दो बनेगा, टेन स्क्वेयर एक्स बटा दो बनेगा। अब अपन क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास में है डी अपॉन में डी एक्स, और ये है टेन एक्स बटे दो का होल स्क्वेयर है, टेन एक्स बटे दो का होल स्क्वेयर है, तो एक्स की स्क्वेयर है, एक्स की स्क्वेयर का क्या होता है, टू एक्स होता है,
तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बन जाएगा 2x का है tan x बटे 2, फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स, फिर हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स, और ये एक्चुअल में x नहीं है, ये tan x है, tan x है, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, tan x की जगह x बटे 2 है, तो फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा। एक बार इसका करते हैं, tan x का क्या होता है, sec square x होता है, sec square x होता है, तो ये रिजल्ट हमारे पास में बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 है, 2 tan x बटा 2, tan x का हो जाएगा हमारे पास में sec square x बटा 2, लेकिन ये तो x है नहीं, tan x थोड़ी ना है, x बटा 2 है, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, तो फिर इसको आपको इस साइड में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखो d अपॉन में डी एक्स इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो x बटे 2 का करेंगे दोबारा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बटा 2, और ये है sec square x बटा 2, और x का हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू tan x बटा 2, और ये है sec square x बटा 2, sec square x बटा 2। फाइनली रिजल्ट ये प्राप्त होगा आपके पास, फाइनली ये रिजल्ट प्राप्त होगा tan x बटे 2 sec square x बटा 2, ये फाइनली आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना भी ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सोल्व आउट करने में हमें टाइम जरूर लगा है, लेकिन बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन छपते हैं डायरेक्टली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारे पास में 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो लॉग 1 माइनस में कॉस एक्स और 1 प्लस में कॉस एक्स, अभी मान रख के आए हैं, 1 माइनस में कॉस एक्स का क्या मान होता है, 1 प्लस में कॉस एक्स का क्या मान होता है, मैं डायरेक्टली करवाऊंगा, ये क्वेश्चन रूट के अंदर है, लॉग के अंदर भी है, तो एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पे रूट के अंदर, 1 माइनस में कॉस एक्स का मान अभी अपने रखा था, क्या रखा था, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटे 2, अपॉन में इसका मान रखा था 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पे रूट के अंदर है ना, ध्यान रखना, ये हमारे पास में है साइन एक्स बटे 2 अपॉन में कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पे ये हट जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में साइन एक्स बटे 2 अपॉन में कॉस एक्स बटे 2, और साइन बटा कॉस आप जानते हैं टेन होता है, तो वाई इज इक्वल टू ये बन गया लॉग ई बेस पे टेन एक्स बटे 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका एक्स के सापेक्ष मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या बन जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, रिजल्ट बनेगा d अपॉन में dx, और ये हमारे पास में है log e बेस पे क्या दे रखा है, tan x बटा 2 दे रखा है, tan x बटा 2 दे रखा है, तो ये बनेगा हमारे पास में dy वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स, एक्स का मान क्या है tan x बटा 2 है, tan x बटा 2 है, दोबारा करेंगे, ये एक्चुअल में x नहीं है, इसका दोबारा करना पड़ेगा d अपॉन में डी एक्स, ये हमारे पास में है tan x बटा 2, तो
तो 10x, देखो ये हमने log x पढ़ा था, x नहीं है ये 10x बटा 2 है, फिर हमने इसका दोबारा अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, जो एक्चुअल में नहीं होगा इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। 1 बटा 10x आप जानते हैं cot x होता है, तो cot x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x बटा 2 होता है, लेकिन ये x एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, d अपॉन में dx, x बटा 2 दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया, x बटा 2 का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का तो हो जाएगा 1, तो ये बचेगा हमारे पास में 1 बटा 2, तो dy अपॉन में dx फाइनली रिजल्ट बनेगा 1 बटा 2, और ये है cot x बटा 2, और ये हमारे पास में है sec स्क्वायर x बटा 2, ये फाइनली रिजल्ट बनेगा, आंसर छप जाएगा आपके। ठीक, इज दैट क्लियर, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बड़ा शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये डिग्री वाला क्या सिस्टम है, डिग्री का अवकलन नहीं होता, हम इसका अवकलन कर सकते हैं रेडियन में चेंज करके, रेडियन यानी होता पाई वाला, रेडियन में चेंज करेंगे तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये डिग्री में दे रखा है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन x, और डिग्री को हटाएंगे रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180, पाई बटा 180, तो ये बन जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल टू साइन x पाई बटा 180। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx, और ये हमारे पास में है साइन x पाई बटे 180। ठीक है, साइन का आप जानते हैं क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स होता है, एक्स का मान क्या है, एक्स पाई बटे 180। ठीक है, बट ये एक्चुअल में साइन एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा एक्स पाई बटे 180। इज दैट क्लियर, आप जानते हैं पाई का, और पाई और 180 तो कांस्टेंट है, इसका कुछ होगा नहीं, लेकिन x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में पाई बटा 180, और ये है cos, इसको अगर आप वापस डिग्री में चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं x डिग्री, और ये रिजल्ट किसका आएगा, dy अपॉन में dx का आएगा, dy अपॉन में dx का आएगा। ठीक है, dy अपॉन में dx का, dy अपॉन में dx, देखो मैंने इसको वापस डिग्री में चेंज कर दिया है, अगर आप डिग्री में चेंज नहीं करना चाहते, ऐसा ही लिखना चाहते हैं, तो x पाई बटा 180 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, यहां तक सभी के समझ में आया क्या, इसके बाद में नेक्स्ट देख लो कौन सा है, sec, sec x डिग्री है, फिर इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा दोबारा, तो अपन लिखेंगे पहले y इज इक्वल टू sec x डिग्री दे रखा है क्या, डिग्री को इसी प्रकार से पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल टू sec x, डिग्री हटाएंगे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट बन जाएगा y इज इक्वल टू sec x पाई बटे 180, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा d अपॉन में dx, d अपॉन में dx, और ये है sec x पाई बटे 180, तो ये रिजल्ट आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू sec x का क्या होगा, sec x tan x, sec x, x की जगह पाई x, 180 है, और ये हो जाएगा tan
एक्स पाई बटे 180, और फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन में डीएक्स किसका, एक्स पाई बटे 180, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में डीएक्स इज इक्वल टू सेक एक्स पाई बटे 180, और ये हैं टेन एक्स पाई बटे 180, और इसका दोबारा करोगे तो ये बन जाएगा पाई बटे 180, क्योंकि एक्स का तो हो जाएगा एक। तो फाइनली हमारे पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू पाई बटे 180, पाई बटे 180, और ये हो जाएगा हमारे पास में सेक एक्स डिग्री टेन एक्स डिग्री। डिग्री में अगर वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये फाइनली आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन दोनों का एक साथ में अगर लेना चाहें तो एक साथ में ले सकते हैं भैया, एक साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से चार क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज तक, ठीक है। ये चौथे क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस और बनेंगे वो एक दो क्लास में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। फिर डबल डेरिवेटिव भी आएगा, इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। डेरिवेटिव भी कई तरीके से होते हैं, डबल डेरिवेटिव होते हैं, एस्पष्ट अवकलना का, प्राचल का, वो बचे हुए हैं, उसका भी अपन जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे उसका सॉल्यूशन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।